अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की रेसिपी मिक्स पकोड़े है, पोटैटो, अनियन, ब्रिंजल और ग्रीन चिल्ली। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। वन ब्रिंजल यानी कि बैंगन लेकर इसके बारीक से स्लाइस कर लेना है और इसमें हमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डाल के इसे मिक्स करके रख देना है। एक पोटैटो लेंगे, उसके भी बारीक स्लाइस करेंगे और उसमें 1 कप वाटर डालकर 1/2 टीस्पून नमक डालकर हमें इसे रख देना है। 10 ग्रीन चिल्ली लेना है और इसकी बीज निकाल देना है और 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करके इसे मिक्स करके रख देना है। 2 बॉल चना फ्लोर लेंगे और हम इससे छन्नी से छान के लेंगे ताकि इसकी में पेस्ट बनाएंगे तो गांठे नहीं पड़े। इसे छानने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन वाटर डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर हम 1 पिंच हल्दी पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा इसमें ऐड करके फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्रिंजल के पकोड़े बनाएंगे। इसे हम पेस्ट में लगाकर एक एक रख देंगे और वहाँ ऑयल गरम करने रख देंगे। ऑयल एकदम गरम होना चाहिए और इसमें हम एक एक करके डालेंगे लेकिन मीडियम फ्लेम पे, फास्ट फ्लेम नहीं करना है इसे। इस तरह हम सारे पकोड़े डाल देंगे और फिर एक तरफ पकने के बाद हमें इसे पलट कर दूसरी तरफ भी पका लेना है कि हमारे ब्रिंजल पकोड़े हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम अब पोटैटो पकोड़े बनाएंगे। इसे आलू को भी हम इसी तरह एक एक पेस्ट में लगाकर उसी कढ़ाई के ऑयल में हम एक एक डालते जाएंगे और उसे भी हमें एक तरफ पकने के बाद पलट के दूसरी तरफ पकाना है लेकिन मीडियम फ्लेम में, क्योंकि ये फास्ट फ्लेम में ये अंदर से कच्चे रहते हैं और ऊपर से जल से पक जाते हैं। अब हमें ग्रीन चिल्ली को भी इसी तरह करना है लेकिन इसे हमें मीडियम में नहीं स्लो फ्लेम में पकाना है, नहीं तो ये पूरी कच्ची रहेंगी। इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम में बनाना है। इसे भी हम एक तरफ पकने के बाद पलट के दूसरी तरफ पका लेंगे। देखिए हमने उसी ऑयल में बनाया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है। अनियन पकोड़े के लिए हमने 2 अनियन लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है। अब इसे हमें अच्छी तरह हाथों से मसल के लेना है और इसमें हमने 1 बॉल चना फ्लोर ऐड किया है। अब इसे भी हम बगैर वाटर के ऐड अच्छी तरह मसलेंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह मसल लेंगे, वाटर इस्तेमाल नहीं करना है, उसी में हमें गुन के लेना है। देखिए इस तरह होना चाहिए हमारा, छुट्टे छुट्टे से रहना चाहिए। देखिए थोड़े थोड़े करके हम आड़े टेढ़े ऐसे ही डालना है हमें और इसे फास्ट फ्लेम में बनाना है। गरम ऑयल चाहिए और फास्ट फ्लेम। देखिए गोल्डन क्रिस्पी से बन गए हैं हमारे सारे पकोड़े रेडी है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।